Next question is, when tested, the lives of 5 wolves were noted as follows: 1357, 1090, 1666, 1494, and 1623. Then the mean deviation in hours from their mean, right? Hours में इनकी lives calculate की थी, right? हमने इनका mean deviation find करना है, right? तो हमारे पास 5 observations के बने, x1, x2, x3, x4, x5, right? तो इनका mean क्या हो जाएगा? From mean हमने calculate करना है mean deviation, तो first हमें mean calculate करना पड़ेगा. मीन को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा? इसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? 1357 प्लस 1090 प्लस 1666 प्लस 1494 प्लस 1623 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 5, राइट? ये आपके पास आ जाएगा. इस सब को ऐड करोगे, ये आ जाएगा 7230 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 1446. ये आपके पास मीन आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मीन डेविएशन, राइट? तो मीन डेविएशन आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन 5 इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. x1 माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा? 1357 माइनस 1446, इसका मोड, ठीक है? लो एक बार इसको नोट कर लेते हैं. 1357 माइनस 1446 प्लस 1090 माइनस 1446 प्लस ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म 1666 माइनस 1446 प्लस 1494 माइनस 1446, राइट? प्लस 1623 माइनस 1446, क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 अपॉन 5, ये आपके पास बचेगा 89, राइट? 89 प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास 356 प्लस 220 प्लस 48 प्लस 177, राइट? इसको ऐड कर लो सबको, ये हो गया आपके पास 890 डिवाइड बाई 5. तो मीन डेविएशन आ गया आपके पास 178, क्लियर है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है?